जय श्री कृष्ण मित्रों। मित्रों, दीपावली से एक दिन पहले नरक चतुर्दशी का पर्व रहता है, इसे छोटी दीपावली भी कहते हैं। तो इस दिन कुछ विशेष उपाय यदि किए जाएं तो जीवन में आने वाले सभी दुख संकट दूर होते हैं, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद भी हमें मिलता है और दुर्घटना से भी हमारी रक्षा होती है। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कि इस दिन कौन कौन से विशेष उपाय आपको करना चाहिए जिससे कि आपको सभी संकटों से मुक्ति मिले और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद भी सदैव आपके ऊपर बना रहे। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरु जी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएँ जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। इस बार दिनांक 3 नवंबर 2021 बुधवार को नरक चतुर्दशी का पर्व है। इस दिन हस्त नक्षत्र, विषकुंभ योग और वव करण का शुभ योग बना हुआ है। नरक चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी एवं छोटी दीपावली भी इसे कहते हैं। रूप चतुर्दशी या छोटी दीपावली इसे कहा जाता है। इस दिन सुबह नहाने से पहले उबटन लगाना चाहिए और अहोई अष्टमी के बचे हुए जल को नहाने के पानी में मिलाकर उससे नहाना चाहिए, उसी से मुख धोना चाहिए। यदि वह जल उपलब्ध नहीं हो तो उसमें गंगा जल आप मिश्रित कर सकते हैं। तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अहोई अष्टमी के दिन बचे हुए जल को मिला करके नहाने से रूप में निखार आता है। इस दिन भगवान विष्णु जी के अवतार भगवान नरसिंह का अवतरण हुआ था। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन हनुमान जी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। ऐसा करने से रोग दोष से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था, तब से इस तिथि का नाम नरक चतुर्दशी पड़ गया था। तो इस दिन की पूजा विधि इस प्रकार से है। शाम के समय घर का मुखिया एक थाली में चने की दाल, खील, बतासे, धूप बत्ती और एक कलश में पानी लेवें, सरसों के तेल का दीपक और एक का सिक्का लेकर दीपक जलावें। जला हुआ दीपक रखने के बाद धूप बत्ती जलावें और इस मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार से है, ओम धूमम धूमम धूमावती स्वाहा। इस मंत्र की एक माला श्रद्धा पूर्वक जाप करें। माता धूमावती दरिद्रता की देवी है, इनसे प्रार्थना करें कि हे माता, हमारे घर परिवार कारोबार से पूरे साल दरिद्रता, रोग दोष, बुरी नजर का नाश हो जावे। तो प्रार्थना करने के पश्चात लोटा गिलास में जल भर करके घर के मुख्य द्वार पर चौखटों पर चढ़ा करके वापस घर में प्रवेश करके जलती धूप बत्ती और दीपक को नाली के किनारे मुख्य दरवाजे पर रखना चाहिए। ऐसा करने से पूजा करने वाले घर परिवार में वर्ष भर माता धूमावती की कृपा दृष्टि बनी रहती है। तो दीपक जलाने का श्रेष्ठ सर्वोत्तम समय इस दिन इस प्रकार से रहेगा, शाम को 7:30 से तो रात्रि 8:30 तक का समय रहेगा। तो इस समय विश्व प्रसिद्ध चौगड़िया मुहूर्त के अनुसार गोधूली वेला और प्रदोष काल दोनों का समावेश इसमें होगा, जो किसी भी कार्य के लिए सर्वोत्तम माना गया है। इस दौरान शुभ का चौगड़िया मुहूर्त उपलब्ध रहेगा जिसमें पूजा करने वाले जातकों को सभी प्रकार के लाभ और उन्नति प्राप्त होगी। इसके अलावा इस दिन आप विशेष उपायों को करके सभी प्रकार के दुख संकटों से मुक्ति पा सकेंगे। तो कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। नरक चतुर्दशी को छोटी दीपावली कहते हैं, जो इस साल 3 नवंबर 2021 को रहेगी। इसके अलावा इस चतुर्दशी को नरक चौदस, रूप चौदस, रूप चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी या नरका पूजा के नाम से इसे जाना जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के दिन मृत्यु के देवता यमराज की पूजा का विधान होता है। दीपावली से एक दिन पहले मनाई जाने वाली नरक चतुर्दशी के दिन संध्या के पश्चात दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं। इस चतुर्दशी का पूजन करके अकाल मृत्यु से मुक्ति तथा स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए यमराज की पूजा व उपासना की जाती है। तो इसकी पौराणिक कथा इस प्रकार से है, रंति देव नामक एक राजा हुआ करते थे। वह बहुत ही पुण्यात्मा और धर्मात्मा पुरुष थे, सदैव धर्म कर्म के कार्यों में लगे रहते थे। जब उनका अंतिम समय आया तो यमराज के दूत उन्हें लेने के लिए आए। वे दूत राजा को नरक में ले जाने लगे, आगे बढ़े। यम दूतों को देख करके राजा आश्चर्यचकित हो गए।
और उन्होंने पूछा कि मैंने तो कभी कोई अधर्म या पाप कर्म नहीं किया है, तो फिर आप लोग मुझे नरक में क्यों भेज रहे हैं? कृपया मुझे मेरा अपराध बताइए, किस कारण मुझे नरक का भागी होना पड़ रहा है? तो राजा की करुणा भरी वाणी सुन करके यमदूतों ने कहा कि हे राजन, एक बार तुम्हारे द्वार से एक ब्राह्मण भूखा लौट आया था, जिस कारण तुम्हें नरक जाना पड़ रहा है। राजा ने यमदूतों से विनती करते हुए कहा कि वह उसे एक वर्ष का और समय देने की कृपा करें। राजा का कथन सुन करके यमदूत विचार करने लगे। राजा को एक वर्ष की आयु प्रदान करके वे फिर चले गए। यमदूतों के जाने के बाद राजा इस समस्या के निदान के लिए ऋषियों के पास गया और उन्हें समस्त वृत्तांत बताया। ऋषि राजा से कहते हैं कि यदि राजन कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत करें और ब्राह्मणों को भोजन करावें, तो उनसे अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना भी करें, तो वह पाप से मुक्त हो सकेंगे। ऋषियों के कथन के अनुसार राजा कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत करता है और इस प्रकार से वह पाप से मुक्त होकर के भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम को प्राप्त कर लेता है। पद्म पुराण के अनुसार जो मनुष्य सूर्योदय से पहले स्नान करता है, वह यमलोक नहीं जाता है, अर्थात नरक का भागी नहीं होता है। भविष्य पुराण के अनुसार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को जो व्यक्ति सूर्योदय के बाद स्नान करता है, उसके पिछले एक वर्ष के समस्त पुण्य कार्य समाप्त हो जाते हैं। इस दिन स्नान से पूर्व तिल के तेल की मालिश करना चाहिए। यद्यपि कार्तिक मास में तेल की मालिश वर्जित होती है, किंतु नरक चतुर्दशी के दिन इसका विधान होता है। नरक चतुर्दशी को तिल के तेल में माता लक्ष्मी जी तथा जल में माता गंगा का निवास होता है। नरक चतुर्दशी को सूर्यास्त के पश्चात अपने घर और व्यावसायिक स्थल पर तेल का दीपक जलाना चाहिए। तेल की दीपमाला जलाने से घर, मकान और दुकान में माता लक्ष्मी जी का स्थायी वास होता है, ऐसा स्वयं भगवान विष्णु ने राजा बलि से कहा था। भगवान विष्णु जी ने राजा बलि को धन त्रयोदशी से दीपावली तक तीनों दिनों में दीप जलाने वाले घर में लक्ष्मी जी के स्थायी निवास का वरदान भी दिया था। तो नरक चतुर्दशी पर किए जाने वाले अचूक व सरल से उपाय इस प्रकार से हैं। नरक चतुर्दशी से पहले कार्तिक कृष्ण पक्ष की अहोई अष्टमी के दिन एक लोटे में पानी भर करके रखा जाता है। नरक चतुर्दशी के दिन इस लोटे का जल नहाने के पानी में मिला करके स्नान करने की परंपरा होती है। मान्यता ऐसी है कि ऐसा करने से नरक के भय से मुक्ति मिल जाती है। स्नान के बाद दक्षिण दिशा की ओर हाथ जोड़ करके यमराज से प्रार्थना करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य द्वारा वर्ष भर किए गए पापों का नाश हो जाता है। इस दिन यमराज के निमित्त तेल का दिया घर के मुख्य द्वार से बाहर की ओर लगाना चाहिए। तो नरक चतुर्दशी के दिन शाम के समय सभी देवताओं के पूजन के बाद तेल का दीपक जला करके घर की चौखट के दोनों ओर, घर के बाहर और कार्यस्थल के प्रवेश द्वार पर रख देना चाहिए। मान्यता ऐसी है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी सदैव घर में निवास करती है। नरक चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी या रूप चौदस कहते हैं, इसलिए रूप चतुर्दशी के दिन भगवान श्री कृष्ण जी की भी पूजा करना चाहिए। ऐसा करने से सुख व सौंदर्य की प्राप्ति होती है। इस दिन निशीत काल यानी अर्ध रात्रि का समय, इस समय में घर से बेकार के समान फेंक देना चाहिए। इस परंपरा को दारिद्र निहसारण कहा जाता है। मान्यता ऐसी है कि नरक चतुर्दशी के अगले दिन दीपावली पर लक्ष्मी जी घर में प्रवेश करती है, इसलिए दरिद्र यानी गंदगी को घर से बाहर निकालना चाहिए। लिंग पुराण के अनुसार इस दिन उड़द के पत्तों के साग से युक्त भोजन करने से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। नरक चतुर्दशी के दिन सर्वप्रथम लाल चंदन, गुलाब के फूल, रोली के पैकेट की पूजा करना चाहिए। उसके पश्चात उन्हें एक लाल कपड़े में बांध करके तिजोरी में रख देना चाहिए। इस उपाय को करने से धन की प्राप्ति होती है और धन घर में रुकता है। माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा मिलती है। तो चतुर्दशी तिथि आरंभ होगी दिनांक 3 नवंबर 2021 को प्रातःकाल 9:02 से। चतुर्दशी तिथि का समापन होगा दिनांक 4 नवंबर 2021 को प्रातःकाल 6:03 पर। चतुर्दशी तिथि समाप्त हो जाएगी। इस दिन दीप दान के लिए सर्वश्रेष्ठ समय इस प्रकार से रहेगा। यम दीप दान का पूजन का सर्वश्रेष्ठ शुभ मुहूर्त इस प्रकार से रहेगा। इस दिन शाम के 6:15 से आरंभ होकर के तो रात्रि 9:05 तक का समय रहेगा। यम दीप दान के लिए 4 बत्ती वाला मिट्टी का दीपक घर के मुख्य द्वार पर आपको रखना चाहिए। तो यह उपाय करने से आपको हर प्रकार के दुख संकटों से मुक्ति दिलाएगा। इसके अलावा माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा।
धन की देवी माता लक्ष्मी जी आपके ऊपर प्रसन्न होगी और माता लक्ष्मी जी का घर में स्थायी वास भी रहेगा। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।